सीपोन सिरप जो कि बनाया जाता है जीनो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। सीप्रोहेप्टेडिन 2 mg/mL रहता है और ट्राइकोलिन सिट्रेट 275 mg/mL रहता है और सॉर्बिटॉल 2 mg/mL रहता है। 200 ml का ये सिरप रहता है, जिसका MRP की बात करूँ तो इसका MRP रहता है जो कि 113 rupees रहता है, मतलब 113 rupees के करीब इसका MRP रहता है। और ये एक सिरप जो कि ऐसी अंबर कलर की बोतल में पैक रहता है। तो ये क्या करता है कि ये भूख को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है भूख ज़्यादा लगता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का है, और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इस सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई भी मेडिसिन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा इंट्रो के बाद। सीपोन सिरप जो कि बनाया जाता है जीनो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। सीप्रोहेप्टेडिन 2 mg/mL रहता है, ट्राइकोलिन सिट्रेट 275 mg/mL रहता है और सॉर्बिटॉल्स 2 mg/mL रहता है। ये 200 ml की बोतल में रहता है, जिसका MRP 113 rupees रहता है। ये सिरप जो कि क्या करता है कि भूख को बढ़ाता है और ये क्या करता है कि भूख को स्टूमुलेट करता है, जिससे क्या होता है भूख ज़्यादा लगता है और बच्चा खाना वगैरह खाता है, जिससे क्या होता है बच्चे की हेल्थ इम्प्रूव होती है, उसकी हाइट इम्प्रूव होती है, उसकी सेल्स डेवलप होते हैं और उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। तो इसको अगर आप ज़्यादा पिला रहे हो, पीडियाट्रिक डॉक्टर की सलाह से नहीं पिला रहे, कंटिन्यूसली पिला रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, मुँह में सूखापन, ड्राइजीनेस और नींद कम आना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि हो सकता है। तो इस सिरप को जब भी पिलाए तो डॉक्टर की सलाह से पिलाए, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना पिलाए, फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो सीपोन सिरप काम कैसे करता है, तो इसके अंदर 3 दवाई डाली गई है, सीप्रोहेप्टेडिन, ट्राइकोलिन एंड सॉर्बिटॉल डाला गया है, जो कि क्या करता है भूख को बढ़ा देता है। सीप्रोहेप्टेडिन एक एपेटाइट स्टिमुलेट है, जो कि क्या करता है कि रिड्यूस कर देता है केमिकल मैसेंजर को, सीरोप्टेंस को, जिससे क्या होता है कि हेपेटोथैलेमस होता है, जो कि क्या कर देता है कि भूख को एपेटाइट करता है। और ट्राइकोलिन सिट्रेट क्या कर देता है कि ये एक एसिड बाइंड करता है, जिससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, तो ये क्या कर देता है कि भूख को बढ़ा देता है। और सॉर्बिटॉल्स क्या है कि एक सिरप पे इसके अंदर डाला गया, जो कि ऑस्मेटिक लैक्सेटिव रहता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह से रिलीफ देता है। तो ये सिरप जो कि बहुत ही यूजफुल सिरप है, जिससे भूख वगैरह ज़्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट होता है और एलर्जिक कंडीशन का भी ट्रीटमेंट होता है, तो ऐसे काम करता है ये सिरप। तो इस सिरप के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।